हेलो दोस्तों, हॉरर वाइव्स में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत सपोर्ट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। आप में से जो लोग चैनल पर नए हैं और जिनको हॉरर स्टोरी जो मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है, वो मेरे चैनल हॉरर वाइव्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में, अंधेरों में, अंधेरों में। ये पहली घटना वेरोनिका नाम की एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी है, और अब आगे की घटना मैं आपको वेरोनिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम वेरोनिका है, मैं NYPD में एक ऑफिसर हूँ, मतलब कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में। अपनी पूरी सर्विस में मैंने बहुत ही अजीब सी घटनाएं देखी हैं, जिनमें से एक घटना जो मैं कभी भी भुला नहीं सकती हूँ, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये घटना सन 1991 की है। रोज की तरह मैं और मेरे साथ मेरा पार्टनर एल्बर्ट, हम दोनों लोग रात में पेट्रोलिंग कर रहे थे। कोई भी रात में अजीब सी गतिविधि होती है तो हमें वॉकी टॉकी पर तुरंत खबर मिल जाती है। वो खबर हमारे कंट्रोल सेंटर से आती है। हम न्यूयॉर्क के ही एक बहुत ही फेमस एलम स्ट्रीट पर ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। हमें वॉकी टॉकी पर एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एलम स्ट्रीट से कुछ ही दूरी पर एक घर है, वहां पर गोली चलने की आवाज आई है, और वो कंप्लेन उस घर के एक पड़ोसी ने की थी। हमें इन्फॉर्मेशन मिलते ही हम उस जगह के लिए तुरंत वहां से रवाना हो गए। जहां पर वो घटना घटी थी वो हमारी मौजूदा लोकेशन से करीबन 20 मिनट की दूरी पर थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां के नजारे को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां पर गोली चली है। सब कुछ एकदम शांत था। जिस पड़ोसी ने हमको कंप्लेन की थी, हम सबसे पहले उसके घर पर गए और उससे मिले। उसने हमें बताया कि उसके बाजू वाले घर में 2 बार गोली चलने की आवाज आई है। हमने उनसे पूछा कि उस घर में कौन रहता है। उन्होंने बताया कि उस घर में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी औरत रहते हैं, और साथ में उनकी एक छोटी पोती रहती है। उसकी उम्र करीबन 10 साल की है। उसके माता पिता पिछले साल कार एक्सीडेंट में मर गए थे, लेकिन उनके पास किसी भी तरीके की कोई भी बंदूक नहीं थी। शायद उनके यहाँ चोरी हुई है, और हो सकता है वो गोली चोर ने चलाई हो। जब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमको दी तो मैंने और एल्बर्ट ने अपनी बंदूक बाहर निकाल ली और तुरंत उस घर के दरवाजे पर गए। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने सबसे पहले उनके दरवाजे को नॉक किया, लेकिन करीबन 5 मिनट तक जब कोई भी जवाब नहीं आया तो एल्बर्ट ने दरवाजे को तोड़ दिया और हम लोग अंदर घुस गए। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि अंदर किसी भी तरह की कोई हाथापाई हुई हो। सारा सामान अपनी जगह पर था। फिर हम अंदर रहने वाले लोगों को बुलाने लगे, लेकिन किसी का कोई भी जवाब नहीं आया। हमें काफ़ी अजीब लगा ये। हमने सारे कमरों को देखा, लेकिन वो पूरा घर खाली था। लाइट्स बंद थी और एकदम अंधेरा था। हमने तुरंत इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर में दी। वहाँ पर बताया कि यहाँ का पूरा घर खाली है और कोई भी यहाँ पर नहीं है। ये बहुत ताजुब की बात थी। पड़ोसी के दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से घर में गोली चलने की आवाज़ आई थी। जब मैंने और एल्बर्ट ने और छानबीन की तो मैंने देखा कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। एल्बर्ट तुरंत उस पीछे के दरवाजे से बाहर जाके देखने लगा। वहाँ पर किसी के पैरों के निशान थे, जो कि भागते हुए घर के पीछे वाले जंगल की तरफ गए हुए थे। एल्बर्ट वहीं पीछे की तरफ जाके उन लोगों को ढूंढने लगा। मैं घर में ही छानबीन कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि घर में एक बेसमेंट भी है। मुझे घर के नीचे के फ्लोर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, और वो आवाज़ बेसमेंट से आई थी। मुझे बेसमेंट में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। दरअसल बेसमेंट में जाने का रास्ता सीढ़ियों के नीचे बने एक दरवाजे से था। मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन बेसमेंट का वो दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे पास टॉर्च था। मैंने टॉर्च ऑन किया और दरवाजे को तोड़ दिया। जब मैं दरवाजे को तोड़ के नीचे बेसमेंट में जाने लगी तो वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। उस बेसमेंट में से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज बहुत बुरी तरीके से अंदर सड़ रही हो। मैं उस बदबू को देख के ये तो समझ गई थी कि वो एक लाश की बदबू है, एक सड़ी हुई लाश जो कि कई दिनों से उसी बेसमेंट में पड़ी है। मैं बेसमेंट के अंदर जा ही रही थी, तभी मुझे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के उतरने की आवाज़ आई।
मैं तुरंत ऊपर की तरफ देखने लगी। जैसे ही मैंने देखा वो कोई और नहीं, उसी घर में रहने वाली वो छोटी बच्ची थी। उसको देख के लग रहा था कि उसकी उम्र 11 से 12 साल की है। मैंने उससे बात किया कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और हम बहुत देर पहले यहाँ पे आवाज़ दे रहे थे, लेकिन तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया। तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा दादी भी रहते हैं, वो कहाँ पर हैं? मैंने लगातार 3 सवाल उससे पूछे। उसने मेरे किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा के अपने कमरे में दोबारा चली गई। मैं भी तुरंत उसके पीछे भागी और जिस कमरे में वो घुसी थी मैं भी उस कमरे के अंदर गई। वो उसी का कमरा था। उसके कमरे में बेड और उसके खिलौने पड़े हुए थे, उसके कपड़े भी थे, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। वो मेरी आंखों के सामने ही अपने कमरे में घुसी थी। तभी उस कमरे के सामने वाले कमरे में मुझे किसी के भागने की आवाज़ आई। मैं तुरंत अपने रिवॉल्वर लेके उस कमरे के अंदर गई। उस कमरे में भी कोई नहीं था। उस कमरे को देख के लग रहा था कि वो उन्हीं बुजुर्गों का कमरा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी मुझे एल्बर्ट की आवाज़ आई। वह भाग के नीचे गई। एल्बर्ट ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था। उसने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे। मैंने एल्बर्ट से पूछा कि आखिर ये कौन है। इसने बताया कि ये चोर है और इस घर से चोरी करके बाहर भागा था, लेकिन जब एल्बर्ट ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास चोरी का कोई भी सामान नहीं मिला था। उसके पास बस उसकी गन थी जिसमें से वो 2 गोलियां पहले ही चला चुका था। वो चोर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसको देखते ही हमने तुरंत कमांड सेंटर में इन्फॉर्मेशन दे दी और वो लोग बैकअप के लिए 2 पुलिस वाले और भेजने लगे। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने यहाँ पर गोली क्यों चलाई। उसने बोला कि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची उसकी तरफ भागते हुए आ रही है। पहले तो उसको सब कुछ ठीक लगा, लेकिन फिर वो छोटी बच्ची दीवार के ऊपर चढ़ गई और उसकी तरफ हंसते हुए आ रही थी। वो इस घर में चोरी के इरादे से आया था, लेकिन जैसे वो इस घर के अंदर घुसा वो डर गया। डर की वजह से उसने उस लड़की के ऊपर 2 बार गोली चलाई, लेकिन वो गोली उसके नहीं लगी और वो लड़की अचानक से गायब हो गई। डर की वजह से वो चोर पीछे का दरवाज़ा खोल के तुरंत भाग गया और झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया। जब उसने मुझको ये स्टेटमेंट दी तो मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है या बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। मैंने एल्बर्ट से उसे पकड़ के रखने के लिए बोला और उस छोटी बच्ची को दोबारा आवाज़ देने लगी, लेकिन वो ऊपर से नीचे नहीं आई और शायद वो अपने कमरे में ही थी। मैंने फिर उसको ढूंढा नहीं और फिर दोबारा नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगी। मैंने एल्बर्ट से बताया कि नीचे से बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैं और एल्बर्ट ये बात कर ही रहे थे तभी वो पुलिस वाले भी आ गए जो कमांड सेंटर वालों ने बैकअप के लिए भेजा था। उन पुलिस वालों के आते ही हमने उस चोर को उन्हें हैंडओवर कर दिया और दोबारा बेसमेंट की तरफ मैं और एल्बर्ट दोनों लोग जाने लगे। हम दोनों के हाथ में टॉर्च थी। एक एक करके हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे और वो बदबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जब हम नीचे उतरे तो हम देख के हैरान हो गए थे। उस बेसमेंट में 3 डेड बॉडीज थी, जिसमें से 2 डेड बॉडी उस बूढ़े औरत और आदमी की थी और तीसरी डेड बॉडी उसी बच्ची की थी जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने छत पर देखा था। ये देख के मैं एकदम हैरान हो गई थी। मेरे चेहरे से पसीना टपकने लगा था। एल्बर्ट मुझसे पूछने लगा कि आखिर मुझे क्या हो गया। मैंने बताया कि मैंने अभी इस बच्ची को ऊपर देखा है। मैं जब भाग के ऊपर गई तो वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। एल्बर्ट ने बैकअप के लिए और पुलिस वालों को बुला लिया था। उन तीनों की लाशों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो करीबन 3 दिन से वहीं पर ही पड़ी हुई हैं। उनकी लाशें आधी जली हुई थी और उनमें से जो बुजुर्ग आदमी था उसके हाथ में एक तार था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, और वो छोटी बच्ची उस बूढ़े आदमी की गोद में बैठी हुई थी, और वो बूढ़ी औरत उस बूढ़े आदमी के सामने की कुर्सी में बैठी हुई थी, और वो तीनों लोग बुरी तरीके से जल गए थे और उसी पोजीशन में मरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग नीचे बेसमेंट में बैठे थे और उनको शॉक लग गया। शायद इसी वजह से उस पूरे घर में लाइट भी नहीं आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इस चीज़ के बारे में एल्बर्ट को बताया लेकिन उसने मुझे शांत रहने के लिए बोला। उसको भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। एल्बर्ट ने मुझसे बोला कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अजीब हो रहा है। कुछ ही देर में बाकी पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच गए और वो लोग सारी बॉडीज़ को वहाँ से निकालने का काम करने लगे। मैं ऊपर उसी बच्ची के रूम में गई थी। मेरे साथ एल्बर्ट भी था, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई है और अपने होने का मुझे एहसास करा रहा है। उस केस को मैं और एल्बर्ट ही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे क्योंकि हम ही दोनों ने
सबसे पहले उन बॉडीज को देखा था। सारी बॉडीज जब निकल गई तो उस घर को मैंने सील कर दिया था, और फिर मैं उस घर के अंदर नहीं गई। वहाँ पर बाकी काम चल रहा था और धीरे धीरे सारे लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मैं और एल्बर्ट अक्सर रात में उस घर के सामने से निकला करते थे, और मैं अक्सर उस घर को देखा करती थी। कई बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस घर की खिड़की पर कोई खड़ा होकर हमें देख रहा है। रात के वक्त वो घर बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता था। हमने उनके पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश की और उनसे बोला कि ये लोग कब से नहीं दिख रहे हैं। उनके पड़ोसियों ने बताया था कि पिछले 3-4 दिन से उन लोगों ने इनको देखा नहीं। फॉरेंसिक से भी यही पता चला कि उनकी बॉडी करंट लगने की वजह से जल गई थी, और उसके बाद वो लोग मर गए थे। और उनकी बॉडी करीबन 3 से 4 दिन तक उसी बेसमेंट में ही पड़ी थी, और इस बात का किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया था। मैं उस चोर से भी मिली थी जो उस घर में चोरी करने गया था। उसने बताया था कि वो लड़की उसे मारने की कोशिश करना चाह रही थी, और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था। शायद वो ये नहीं चाह रही थी कि मैं उस घर से कोई भी चीज़ उठाकर ले जाऊं। वो लड़की अभी भी उस घर की प्रोटेक्शन कर रही है। ये बात मुझे उस चोर ने बताई। अब उस चोर की बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी उस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। और शायद आज भी उसी लड़की की आत्मा उस घर में हो। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको मेरे एक व्यूअर ने भेजी है, और उनको ये घटना शायद रेडिट से मिली है। ये घटना जिसके साथ घटी है उस आदमी का नाम जस्टिन था। तो अब आगे की घटना मैं आपको जस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जस्टिन है, मैं एक कैब ड्राइवर हूँ। ये घटना मेरे साथ 2009 में घटी थी। मैं ज़्यादातर रात में ही ऊबर ड्राइवर करता था, क्योंकि रात में पैसेंजर्स अच्छे मिलते थे और उससे मुझे एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता था, और साथ में नाइट अलाउंस भी मिलता था, तो मेरी कमाई अच्छी हो जाती थी। मेरे परिवार में कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही रहता था। हर रात की तरह उस रात भी मैं ड्राइव करने के लिए निकला। दिसंबर का महीना था और ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। ये घटना कनाडा की है। मैं चुपचाप रोड पर जा रहा था। मेरे फ़ोन पे तभी एक मैसेज आया जो कि एक ऐप से आया था। उस मैसेज के थ्रू पता चला कि मुझे किसी को उसके घर से पिकअप करके हॉस्पिटल ड्रॉप करना था। जब मैं दिए गए लोकेशन पर पहुंचा तो वो कस्टमर वहां पर नहीं आया था। मैं लगातार उसको फ़ोन भी मिला रहा था, लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं पिकअप कर रहा था। मैंने करीबन 15 मिनट तक उसका वहां पर इंतज़ार किया। 15 मिनट बाद जब मैंने ऐप में दोबारा देखा तो वो राइड कैंसिल दिखा रही थी। उससे मेरा थोड़ा नुकसान भी हुआ था, क्योंकि मैं जिस जगह था वहाँ से दिए गए लोकेशन में आने में मुझे 15 मिनट लग गए, और वहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाते। मैं दोबारा वहाँ से गाड़ी घुमाने लगा और अपनी पहली लोकेशन पर दोबारा जाने लगा। तभी मैंने देखा कि रास्ते में एक औरत खड़ी थी। वो आगे जाने के लिए टैक्सी ढूंढ रही थी। मैंने तुरंत उसके साइड में गाड़ी रोक दी, और वो औरत मेरी कार में आके बैठ गई। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। वो मुझे गाड़ी चलाने के लिए बोल रही थी। मैंने उससे पूछा कि आपको जाना कहाँ है। उसने मुझसे बोला कि मुझे कहीं भी ले चलो, लेकिन इस जगह से दूर। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से डर के भाग रही है। मैंने उससे पूछा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। उसने कहा कि उसे पुलिस के पास नहीं जाना है, उसे यहाँ से कहीं दूर जाना है। पर मैं उसे लगातार लोकेशन पूछता जा रहा था। वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, और बस मुझे गाड़ी चलाने को बोल रही थी। मैंने गाड़ी रोक के बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस औरत के चक्कर में मैं कहीं किसी और प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं। कुछ देर तक तो मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, और उस औरत ने भी कुछ नहीं बोला। वो बस अपने सर को नीचे करके बैठी हुई थी और खिड़की की तरफ देख रही थी। उसकी हालत को देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं अपनी गाड़ी के बैक मिरर से बार बार देख रहा था कि आखिर वो कर क्या रही है। उसका बर्ताव मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। वो चुपचाप बस खिड़की के बाहर देख रही थी। मैं चुपचाप सीधे चला जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद उस एरिया की सबसे बड़ी टनल आ जाती है। उस टनल में थोड़ा सा अंधेरा रहता है, लाइट्स भी थोड़ी डिम रहती हैं। उस वक्त रात के करीबन 1 बज रहे थे। हल्की फुल्की बर्फ़ गिर रही थी और पूरी रोड खाली थी। शायद उस पूरी रोड पे मैं ही एक अकेला टैक्सी ड्राइवर था, और वो रोड आगे जंगल की तरफ जा रही थी। वो कैनेडियन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा इलाका था। वो रोड कैनेडियन फॉरेस्ट की तरफ जा रही थी। मैंने उस औरत से फिर से पूछा कि मैम आपको जाना कहाँ है। इस बार उसने मेरे सवाल का जवाब ना देते हुए
मुझे शांत रहने के लिए बोला। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं कुछ देर तक चुपचाप गाड़ी ही चला रहा था। मैं उस टनल के अंदर चला गया था और वहाँ पर लाइट थोड़ी डिम हो गई थी। उस टनल को क्रॉस करते ही मैं फॉरेस्ट के एरिया के अंदर चला जाता। मैंने टनल के अंदर ही कार को रोक दिया और फिर उस औरत से गाड़ी से नीचे उतरने के लिए बोला। वो ना ही मुझको सुन रही थी और ना ही मेरी बोली हुई किसी भी बात पर रिएक्ट कर रही थी। वो बस खिड़की के बाहर चुपचाप देख रही थी और बैठी हुई थी। जब मैं पीछे मुड़ा तो वो एक हल्की सी स्माइल करते हुए बाहर की तरफ देख रही थी। मैं फिर गाड़ी से नीचे उतरा। फिर वो जिस तरफ बैठी हुई थी उस तरफ का दरवाज़ा खोल के उसको बाहर निकलने के लिए बोल रहा था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि दरवाज़ा कैसे लॉक हुआ, क्योंकि जब मैं गाड़ी से उतरा था तो मैंने दरवाजे अनलॉक किए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने दरवाजे को अंदर से ही लॉक कर लिया है। मैं उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बार बार बोल रहा था लेकिन उसने अपना मुंह बाहर की तरफ से घुमा के अंदर की तरफ कर लिया था। मैंने दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की और फिर उस औरत ने मेरी तरफ अचानक से देखा। मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा डर गया था। उस औरत की आंखें गायब हो गई थीं और उसकी आंखों के अंदर बस दो काले गड्ढे थे। उसको देख के मैं एकदम चिल्लाने लगा और गाड़ी से दूर भाग गया। मैं गाड़ी से काफ़ी दूर भाग के चला गया था और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझको लग रहा था कि शायद वो मुझे मार डालेगी। मैं उसी के साथ बैठा हुआ था। मैं दूर भाग के ही उस गाड़ी को देख रहा था। वो औरत अभी भी गाड़ी में ही बैठी हुई थी और वहाँ से बाहर नहीं निकली। मैं अपनी कार से करीबन 10 से 15 यार्ड की दूरी पर था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया और कुछ ही देर में मेरी दिए गए लोकेशन पर पुलिस वाले भी आ गए। वो आके मेरे पास खड़े हुए और मैंने उनको सारी बात बताई। मैं जब तक वहाँ पर था वो औरत उसी ही कार में बैठी हुई थी। पुलिस वालों को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया और ठंड की वजह से बर्फ़ भी ज़ोरों से गिर रही थी। बर्फ़ गिरने की वजह से मेरी पूरी कार बर्फ़ से ढक चुकी थी और जिस रोड पर मेरी कार खड़ी थी वो रोड भी बर्फ़ से पूरी तरीके से ढक चुकी थी। जब पुलिस वाले वहाँ पर आए तो उन्होंने मुझे सबसे पहले यही पूछा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। सारी बात बताने के बाद उन्होंने मुझसे मेरी कार के पास चलने के लिए बोला। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी कार के पास जाऊँ। मैं दूर पुलिस वालों की कार के पास ही खड़ा था। उन दोनों पुलिस वालों ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाल ली और कार की तरफ जाने लगे। उन्होंने कार की तरफ जाके कार की कांच पर लगे हुए बर्फ़ को साफ की और अंदर की तरफ देखने लगे। वो लोग कुछ सेकेंड तक अंदर की तरफ देखते रहे और फिर मुझे बुलाने लगे। मुझे उनके पास जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था लेकिन मैं हिम्मत करके वहाँ पर गया तो उन्होंने मेरी कार को खोल के देखा। कार के अंदर कोई भी नहीं था। पुलिस वालों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने उन्हें बताया कि कार के अंदर एक औरत बैठी हुई थी जिसकी आंखें अचानक से गायब हो गई और वो बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। मैं जब कार से दूर हटा तो वो कार के अंदर ही बैठी हुई थी और मैंने अपनी कार के ऊपर से एक सेकंड के लिए भी नज़र नहीं हटाई। वो ऐसे अचानक से गायब ही नहीं हो सकती है। पुलिस वालों ने मेरी बात सुन के उन्होंने तुरंत मेरे पॉकेट की तलाशी ली। वो लोग दरअसल ये देख रहे थे कि कहीं मैंने किसी तरीके का कोई नशा तो नहीं किया है। वो तुरंत मेरे मुँह में मशीन डाल के मेरा अल्कोहल टेस्ट भी करने लगे। वो मुझ पर ही शक कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने अपनी बात उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। हम सारे ड्राइवर्स की कार में एक कैमरा फिट होता है जिससे मेरी और हमारे पीछे बैठे पैसेंजर्स की फ़ोटो भी रिकॉर्ड होती है। पुलिस वालों ने मुझे उस कैमरे को निकालने के लिए बोला। मैंने उस कैमरे को निकाला और फिर उसकी फुटेज भी देखी गई और सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। फुटेज में मेरे अलावा कैमरे में कोई था ही नहीं। मेरे अलावा किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा। पूरे कैमरे में बस यही रिकॉर्ड हुआ कि मैं अपने आप किसी से बात कर रहा हूँ और अपने आप में ही बड़बड़ा रहा हूँ। फिर पुलिस वालों को लगा कि मुझे किसी तरीके की कोई बीमारी है। उन्होंने तुरंत अपने कंट्रोल सेंटर में इन्फॉर्म किया और उसी दिन मेरे लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। मेरी गाड़ी भी उन लोगों ने जब्त कर ली। मैंने अपनी बात उनको बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कई दिनों तक मैं पुलिस के चक्कर ही काटता रहा। कुछ दिनों बाद मेरी गाड़ी तो छूट गई लेकिन मेरा लाइसेंस रिन्यू होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। इस घटना के बारे में मैं किसी से भी बात नहीं करता क्योंकि अब मुझे बहुत डर लगता है कि वो लोग मुझे पागल समझ के मेरे लाइसेंस को दोबारा कैंसिल ना कर दें। ये घटना जो भी मेरे साथ घटी ये एकदम सच थी और उस दिन के बाद से मैं उस टर्मिनल पे और उस रोड पे कभी भी अपनी गाड़ी को लेके नहीं गया। तो दोस्तों ये थी दूसरी घटना और अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना भी मुझको मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये घटना जैक नाम के एक आदमी के साथ घटी थी। जैक एक डिलीवरी बॉय था
वो पिज़्ज़ा डिलीवर करता था। ये घटना ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जिसको लोग लोगन स्ट्रीट बोलते हैं। काफ़ी पुरानी जगह है वो। वो डिलीवरी वहीं की ही थी। और अब आगे की घटना मैं आपको जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जैक है। मैं रेस्टोरेंट से करीबन रात के 1 बजे लोगन स्ट्रीट के लिए डिलीवरी करने के लिए निकला। मुझे वो जगह नहीं पता थी और मैं पहले उस जगह पे नहीं गया था, इसलिए जहाँ पे मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करना था मैं उससे कॉल पे बात करते हुए ही उसी जगह जा रहा था। जब मैं थोड़ा सा आगे पहुँचा तो मैंने देखा कि वो रास्ता जहाँ पर जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान है। मैंने बाकायदा क्लाइंट से बार बार कॉल पर कन्फर्म करने की कोशिश की कि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ ये जगह सही है या नहीं। वो मुझे बार बार एक ही चीज़ बता रहा था कि आप एकदम सही रास्ते पर आ रहे हो। मैंने उससे कहा ठीक है। बात करते हुए जब मैं चल रहा था तो मेरे फ़ोन का नेटवर्क चला गया और फिर मेरी उससे बात नहीं हो पाई। मुझे नहीं पता था कि कहाँ पर जाना है, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने मुझसे बोला था कि मैं सीधे आता जाऊँ और मुझको एक बड़ा सा घर दिखेगा जो कि लाल रंग का होगा। उसी घर के अपोजिट साइड में उस आदमी का घर है जहाँ पर मुझे पिज़्ज़ा को डिलीवर करना था। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। मैं चुपचाप अपनी बाइक ही चला रहा था, तभी मैंने देखा कि थोड़ा आगे चलते वक्त मुझे एक औरत दिखी। उस औरत ने अपने हाथ में एक बच्चा पकड़ा हुआ था। उसकी उम्र करीब 8 या 9 साल की थी। उसने उसको गोदी में उठा रखा था और वो चले जा रही थी। उसने काफ़ी पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो रोड के साइड में ही चल रही थी और मैं धीरे धीरे अपनी बाइक को चला रहा था। वो औरत पीछे छूट गई और मैं आगे निकल गया। करीबन 2 मीटर बाद मुझे वो औरत दोबारा दिखाई दी और वो भी आगे ही चल रही थी। ये देख के मैं कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गया। मुझे लगा कि शायद मुझे डेजावू हुआ है, लेकिन ये मेरा वहम नहीं था। मैंने दोबारा उसको इग्नोर किया और फिर दोबारा गाड़ी आगे चलाने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो औरत दोबारा रोड के उसी साइड पर चल रही है और अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने अपनी गाड़ी फिर वहाँ से आगे निकाली और थोड़ी देर बाद मुझे वो औरत दोबारा दिखी और अब मैंने अपनी गाड़ी रोक दी थी। उस औरत से करीबन 2 से 3 मीटर पहले ही मैंने अपनी गाड़ी रोकी। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी रोकी वो औरत भी चुपचाप रुक गई। उसने कुछ भी नहीं किया, वो ना ही पीछे की तरफ देख रही थी, वो बस अपने आगे की तरफ ही देख के चुपचाप रुकी थी। उसके गोद में जो बच्चा था मैं उसके चेहरे को साफ साफ देख सकता था। वो सो रहा था। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद रंग का था। मैं चुपचाप पीछे ही खड़ा था और दोबारा अपनी बाइक को धीरे धीरे पीछे करने लगा। मेरे बाइक के पीछे करते ही उस औरत ने अपने हाथ में पकड़े हुए बच्चे को ज़मीन पर रख दिया और वो वहीं पर ही पड़ा हुआ था। उस बच्चे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने अपनी बाइक वहीं पर ही खड़ी कर दी क्योंकि मेरे पास बाइक को दोबारा घुमाने का टाइम नहीं था। उस औरत ने जैसे ही बच्चे को नीचे रखा वो मेरी तरफ चिल्ला के भागने लगी। मैं उसके चेहरे को भी ढंग से नहीं देख पाया। मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। मैं अपने पिज़्ज़ा के बॉक्स को लेके दोबारा भागा और बाइक वहीं पर ही छोड़ दी। कुछ दूर भागने के बाद मेरे हाथ से पिज़्ज़ा का डब्बा भी छूट गया और मैं भागते हुए जाके एक पेड़ के पीछे छुप गया। मैं उस पेड़ के पीछे करीबन 10 मिनट तक बैठा रहा, लेकिन मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आई। जब मैं 10 मिनट बाद पीछे की तरफ देखा तो वो पूरी रोड दोबारा खाली थी। रोड पे मेरा पिज़्ज़ा का बॉक्स पड़ा हुआ था और उससे कुछ ही दूरी पर मेरी बाइक जिसमें से फ्यूल गिर रहा था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि मैं क्या करता। मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत करके अपनी बाइक को दोबारा उठाया और अपने रेस्टोरेंट की तरफ वापस जाने लगा। मैं अपने बाइक को धीरे धीरे खींच के ले जा रहा था क्योंकि मेरी बाइक चलने के लायक नहीं थी। जब मैं उस रोड से बाहर निकला जहाँ पर मेरे फ़ोन का नेटवर्क गया था, मेरे फ़ोन में नेटवर्क दोबारा आ गया और तभी मेरे पास दोबारा कस्टमर का फ़ोन आया। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और मैं अभी तक डिलीवरी लेके पहुँचा क्यों नहीं। मैंने उसको अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताया, लेकिन उसने गुस्से से फ़ोन काट दिया। उसके बाद जब मैं अपने रेस्टोरेंट पहुँचा तो मैंने अपने सीनियर को भी ये बात बताई और वहाँ के मैनेजमेंट को ये खबर दी। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उनको लग रहा था कि शायद मुझसे गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया और मैं अब बहाने मार रहा हूँ। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मेरे साथ घटी ये घटना एकदम सच थी। दोबारा दूसरे डिलीवरी बॉय को वहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए भेजा गया और वो पिज़्ज़ा नॉर्मली डिलीवर भी हो गया। और उस दिन के बाद से मैंने उस घटना के बारे में किसी से बात भी नहीं की। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।